ओ गाइस ये देखो सामने क्या हो रहा है भाई, कितना टाइम हो गया। लॉस सैंटोस में सारे रेड टाइटन हल्क गॉड्स एक साथ नहीं आए हुए, और ये देखो यहाँ पे ये एक साथ आए, पर यार मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि सारे टाइटन गॉड्स यहाँ पे लॉस सैंटोस में क्यों आए। तो इसके लिए ये देखो यार मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहा है। ओ पिंकी भाई तुम यहाँ पे मत आओ। अरे शिनचैन तुम वहाँ पे गए खड़ा है क्या? तो हाँ पिंकी भाई मैं यहाँ पे हूँ, तुम मत आओ। और पुत्र जी हाँ फ्रैंकलिन तुम यहाँ पे मत आओ यार। अरे क्या हो गया, क्यों ना आओ मुझे बताओ तो सर, क्या मांजरा चल रहा है? और पुत्र जी नहीं यार तुम यहाँ पे इन्वाइटेड नहीं हो। अरे कीड़े तू इधर मत आ, तेरे को यहाँ पे इनविटेशन किसने दिया? अरे गाइस ये देखो इतने बड़े बड़े रेड टाइटन गॉड्स और मुझे इनविटेशन नहीं दिया। एक सेकंड गाइस, ये लोग क्या, तुम लोग यहाँ पे मेरे बिना रैंप चैलेंज कर रहे हो? ओ पिंकी बहन नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तुम ऐसे चले जाओ। अरे नहीं यहाँ पे कुछ तो हो रहा है गाइस, देखो यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक भी है। और रैम चैलेंज को शुरू करो, हम तो रैम चैलेंज देखने आए टाइटन गॉड्स के साथ, बल्ले बल्ले करेंगे, मजा आएगा, जल्दी चालू करो। अरे कीड़े नहीं नहीं इसके फ्रैंकलिन के सामने मत बोलो रैम चैलेंज हो रहा है। अरे पर सर जी रैम चैलेंज हो रहा है तो रैम चैलेंज हो रहा है बोलेंगे ही ना। गाइस ये देखो यार ये लोग मेरे बिना रैम चैलेंज कर रहे, और क्या मिलने वाला है विनर को? आए पुत्र जी यार विनर को है ना रेड टाइटन गॉड्स अपनी पावर तो गिफ्ट में नहीं देने वाले, तो तुम चिंता मत करो, किसी को भी यहाँ पे टाइटन गॉड्स की पावर तो नहीं मिल रही है। गाइस मुझे तो लगता है ये लोग झूठ बोल रही है, रेड टाइटन गॉड्स इसके लिए आए यहाँ पे अपनी पावर्स देने के लिए, मैं भी आ रहा हूँ यार। यहाँ पे देखो कौन कौन है, यहाँ पे देखता हूँ मैं। आए पुत्र जी नहीं नहीं कोई भी नहीं है। अरे नहीं 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 देखो यार रेड टाइटन गॉड के सारे फेवरेट बच्चे, हल्क शिनचैन, कीको हल्क, शिवा हल्क, क्रिश हल्क, बल्ले बल्ले जट हल्क, और यहाँ पे लिटिल सिंघम हल्क भी है। पक्का यार ये लोगों को है ना चैलेंज करवा रहे, जिससे है ना रेड टाइटन गॉड्स इन्हें ब्लेसिंग दे सके और अपनी फैमिली में ले सके, सही कहा ना? अरे हाँ कीड़े सही बोला, चल ठीक है यार अब तुझे हमारा सारा सच पता चल चुका है तो तू भी यहाँ पे आई जा। अरे हाँ चल कीड़े आ जा। गाइस यहाँ पे देखो लावा टाइटन गॉड, रेड ऑल फादर टाइटन गॉड, रेड एंड गोल्ड ऑल फादर टाइटन गॉड भी आए हुए, और उसके साथ साथ इनके सारे भाई भी आए हुए। यार मुझे भी यहाँ पे आना है, चलो चलो यहाँ पे जल्दी से चलता। पिंकी भाई तुम हमेशा यार है ना कबाब में हड्डी बन के आ जाते हो। अरे मैं तो आऊंगा ही ना यार, साइड में खड़ा हो शिनचैन मुझे जगह दे, इधर तो जगह ही नहीं है। पिंकी भाई पीछे खड़े रहो, पीछे तुमको यहाँ पे इन्विटेशन नहीं दिया था तुम पीछे खड़े रहो। अरे नहीं नहीं मैं आगे खड़ा रहूंगा यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है आगे खड़े रहना है। पिंकी भाई नहीं 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 पीछे जाके खड़े रहो, तुम लास्ट में जाओगे। अरे ठीक है गाइस कोई बात नहीं, लास्ट में जाऊंगा यार, मैं सीख लूंगा सब कुछ कैसे करते, फिर मैं भी अपग्रेड हो जाऊंगा। ये देखो तो सर क्या मस्त यहाँ पे आलीशान लग रहा है यार। ये देखो गाइस यहाँ पे अपग्रेड होने में तो कितना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो और यहाँ पे है ना सारे टाइटन गॉड्स की पूरी फैमिली आई हुई है, और यहाँ पे रैंप चैलेंज हो रहा है, ये सब जन ब्लेसिंग देंगे तो अपने तो बहुत ही खतरनाक अपग्रेड मिलने वाले। सही बोला ना शिनचैन? तो हाँ पिंकी भाई सही तो बोला, पर तुम्हें अपग्रेड मिलेगा ही नहीं। अरे को वो तो अपने देखते ना, यहाँ पे देखो गाइस मेरे को तो पनिशमेंट की तरह पीछे खड़ा रखा है, पर पावर तो आज मैं लेके ही जाऊंगा। और पत्थर जी आज देखो यार हम सब आए हैं तुम लोगों का ये वाला टॉल मीटर भरने, आज का जो चैलेंज कंप्लीट कर लेगा वो लॉस सैंटोस का टॉलेस्ट रेड हल्क बन जाएगा ऑल फादर की पावर्स के साथ। यार रेड फादर का ऑल फादर और टॉलेस्ट, अरे मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ गाइस, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। देखो दद्दू हल्क ने क्या बोला, अपना टॉल मीटर भर के हम यहाँ पे टॉलेस्ट रेड हल्क बन सकते, वो भी ऑल फादर की पावर के साथ। सही बोला ना? और पत्थर जी बिल्कुल सही बोला, तुम मेरे से भी टॉल हो जाओगे। देखो यार अभी तुम सब है ना 2-4-3 फुटिया हो, मैं 6 फुटिया, और यहाँ पे सारे टाइटन गॉड्स है ये 10-10 8-8 हजार फुट लंबे, तो अगर तुम भी अपना टॉल मीटर भर के इतना लंबा होना चाहते हो तो आज का कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए। अरे वाह वाह बढ़िया काम का जोगे, चलो गाइस यार मैं तो एकदम रेडी हूँ। दद्दू हल्क मेरे को भी यहाँ पे खेलने दोगे ना? प्लीज 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 मुझे भी मेरा टॉल मीटर बढ़ाना है, प्लीज करने देना करने देना। आए पत्थर जी यार तुमको यहाँ पे इन्विटेशन नहीं दिया था, इसके लिए अगर तुम्हें अगर ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने देना और अपना टॉल मीटर फिल करना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे क्या काम करना पड़ेगा? आए पत्थर जी सब बच्चों को बोलना पड़ेगा कि वीडियो तुम्हारी लाइक करे, और कमेंट सेक्शन में है ना टॉल लिखे TALL। क्या ये टॉल लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों? आए पत्थर जी बस नियम नियम होता है। अरे हाँ कीड़े सब जनों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में टॉल लिखना पड़ेगा TALL, तभी हम तुझे तेरा टॉल मीटर भरने की परमिशन देंगे। गाइस ये देखो यार यहाँ पे है ना इतने सारे जन आए हुए, सब जनों ने वीडियो को लाइक करवाया क्या? तो पिंकी भाई मेरे लिए तो सब जन ने वीडियो को लाइक कर दिया था। अरे कीको का भी वीडियो लाइक कर दिया था, अरे शिवा का भी। हाला मेरा वीडियो तो बचपन में लाइक हो गया था। अरे बल्ले बल्ले को तो लाइक करवाने के लिए बोलना भी नहीं पड़ता। अरे हुड़ हुड़ दबंग मैं तो पुलिस में डलवा देता हूँ जो वीडियो को लाइक नहीं करता। तो गाइस देखो यार तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जल्दी से टॉल लिख दो, जिससे ना मेरे को टॉल मीटर भरने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये देखो दद्दू हल्क की हाइट तो मेरे से ज्यादा कितनी बड़ी है, और सोचो यार यहाँ पे है ना ये जो हल्क कीको हल्क शिवा इन सब की भी हाइट मेरे से ज्यादा बड़ी है, मैं खुद को अपग्रेड करके कितना मस्त बन जाऊंगा यार। यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े टाइटन गॉड्स, ये पूरे लॉस सैंटोस की बिल्डिंग से भी ऊंचे होते, मैं इनसे भी ऊंचा
बन जाऊंगा ये वाला रैम चैलेंज खेल के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में टॉल लिख दो। दद्दू वाल देखो यार, बहुत सारे जनों ने टॉल भी लिख दिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया, अब तो मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकता हूँ ना। पुत्र जी हाँ ले सकते हो यार, पर यार तुम लास्ट में आओगे। अरे लास्ट में नहीं, पहले आऊंगा, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है पुत्र जी, देखते अगर 5000 लाइक्स हुए तो ही तुम फर्स्ट आओगे। देखते गाइस, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मुझे ये वाला चैलेंज करने में। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देखो 5000 लाइक्स तो गए, कमेंट सेक्शन में टॉल भी लिख दिया। जल्दी से मुझे बताओ ये टॉल मीटर भरने के लिए मुझे करना क्या है अब। आए पुत्र जी देखो यार, तुम्हें अपना टॉल मीटर भरना है ना, तो तुम्हें अपना स्केटबोर्ड लेके ये वाले स्टीपेस्ट रैम चैलेंज कैसे नीचे उतर के जाना पड़ेगा। क्या ये स्टीपेस्ट रैम चैलेंज क्यों जाना पड़ेगा? गाइस ये देखो यार, यहाँ तो इतना ज्यादा स्टीप है, मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा, फिर ये वाले घूमते फिरते हुए बॉल से बचना पड़ेगा, और उसके बाद ये हिलते हुए साइन से बचना पड़ेगा, ये लकड़ों के टुकड़ों से बचना पड़ेगा, ये बॉल से बचना पड़ेगा, ये लकड़ियों के और टुकड़ों से बचना पड़ेगा। यहाँ पे तो करंट मारने वाली लकड़ियां भी रखी हुई है, यहाँ पे तो कितने सारे टावर वावर रखे हुए, इन सब से बचना पड़ेगा, और यहाँ तो इनविजिबल कांच भी है जिसको तोड़ फोड़ के मुझे आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद ये दरवाजों से भी बचना पड़ेगा, ये कंटेनर से भी बचना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो और सैटेलाइट के टुकड़े, इनसे भी बच के फिर यहाँ से जंप लगा के यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा और फिनिश लाइन तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ पत्थर जी हाँ, अगर तुम ये स्टीपेस्ट रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लोगे तो यार तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी रेड फैमिली को ज्वाइन करने की, तुम्हारा टॉल मीटर भी बढ़ जाएगा और तुम लॉस सेंटोस के टॉलेस्ट ऑल फादर रेड हल्क बन जाओगे। तो पिंकी बेटे कर ही नहीं पाएंगे, मुझे पता है पिंकी बेटे बुद्धू है, उनको चैलेंज करने आती नहीं है। अरे हाँ कीको को भी पता है, अरे शिवा को पता है, मुझे भी पता है, और बल्लो बल्लो को भी पता है, और लिटिल सिंघम तो फ्रैंकलिन को जेल में डाल देगा। अरे गाइस वो तो देखते ना सब क्या कर पाते कि नहीं ये लोग। तो गाइस देखो यार, मैंने मेरी स्केटबोर्ड निकाल ली है, दद्दू वाल का आशीर्वाद दे दो। ओए पत्ता जी आशीर्वाद तो नहीं दूंगा मैं। अरे पर आपके आशीर्वाद के बिना मैं ये कैसे करूंगा। चलो कोई बात नहीं यार। हे फ्रैंकलिन कीड़ा, तो अभी देखना अपने स्केटबोर्ड से गिरेगा, तब मजा आएगी। अरे नहीं गिरूंगा नहीं गिरूंगा गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। होपफुली तुमने कमेंट सेक्शन में टॉल लिख दिया होगा। ये देखो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, एकदम धीमे से नीचे आना पड़ेगा। ये देखो गया। अरे गाइस एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? अरे मैं तो सच्ची में नीचे गिर गया। अरे मेरा तो बैलेंस फिसल गया यहाँ पे। अरे ये क्या हो रहा है? बोला था ना ये फ्रैंकलिन कीड़ा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये देखो कैसे उछल उछल के नीचे गिर रहा है। नहीं 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 नहीं, आओ चाओ 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 चाओ, मैं तो पानी में गिर जाऊंगा। क्या हो गया मेरे साथ? गाइस मैं तो उल्टा पानी में गिर गया हूँ, बाहर भी नहीं निकल पा रहा। ओए पत्थर जी यार, तुम तो पानी से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, तुम तो आउट हो चुके हो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे गाइस इसके ऊपर चढ़ के आया हूँ। देखो यहाँ पे मुश्किल से ये लकड़ी के टुकड़े पे आए, लकड़ी के टुकड़े नहीं टुकड़े पे आए, यहाँ पे आजू बाजू बम फूट रहे। फ्रैंकलिन तू, हमें पता ही था कि तू अपग्रेड नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुझे हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। मजा आ गई मजा। चलो दूसरे बच्चों अब जल्दी से आओ और फ्रैंकलिन को अपग्रेड होके बताओ। ओ नो गाइस, अरे सबसे पहले हो जाएगी बल्ले 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 करके बताएगा फ्रैंकलिन को। ये देखो फ्रैंकलिन, मेरे पास भी एक स्केटबोर्ड है, तेरे जैसा स्केटबोर्ड है, पर मैं एकदम पक्का खिलाड़ी हूँ। दद्दू हल्क यार पाए लागो। आए पत्थर जी पाए लागो यार तुम्हारे भी। अरे गाइस ये देखो दद्दू हल्क ने है ना यहाँ पे फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले को तो आशीर्वाद दे दिया। ये देखो फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले तो यहाँ पे है ना, ये अपना स्केटबोर्ड लेके आगे जा रहा है, और ये देखो सारे ऑब्स्टिकल से बचता बचता जा रहा है। ये देखो यार इसने तो है ना यहाँ पे तगड़ी सी लैंडिंग कर ली है, और ये देखो यार ये तो है ना ये पानी में गिरा, पर यार ये पानी में गिरने के बाद है ना फेल नहीं हुआ, यहाँ पे खड़ा हो गया है। आए पत्थर जी ये देखो ऐसा ही करना था, ये देख रहे हो, और ये आंटी जी तुम्हारे लिए रॉकेट भी मार रही है यहाँ पे, और ये देखो बल्ले बल्ले तो यहाँ पे पहुंच चुका है। अरे गाइस ये देखो ये क्या हो गया? अरे ये देखो फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले को क्या हो गया? आए पत्थर जी ये देखो फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले को ऑल फादर पावर्स मिल गई है, और ये तो एक 11 हेड वाला दबंग हल्क बन गया। अरे हो गई रे मेरी बल्ले बल्ले यार, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ गई। अरे गाइस ऐसा कैसे हो सकता है, देखो फ्लाइंग जेट को तो कितनी अच्छी पावर्स मिल गई, मुझे तो कोई पावर ही नहीं मिली यार। ये देखो मैं तो यहाँ पे पड़ा हूँ यहाँ पे। आए फ्रैंकलिन यार तूने रेस कोर्स भी तो कंप्लीट नहीं किया। अरे कीड़े ये देख अभी तो और जन भी अपग्रेड होंगे। अरे हुड़ हुड़ दबंग दबंग हल्क तो मुझे बनना था, पर ठीक है अब कोई बात नहीं यार, मैं देखो अपना स्केटबोर्ड लेकर आया पुलिस वाला दद्दू हल्क पाए लागू। अरे गाइस ये देखो लिटिल सिंघम भी जा रहा है। अभी देखो यार मेरे को लगता नहीं लिटिल सिंघम तो जा पाएगा और ये चैलेंज कर पाएगा, ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखो लिटिल सिंघम अपने स्केटबोर्ड पे जा रहा है, और ये देखो ये तो गिरने वाला है। आए फ्रैंकलिन ऐसे कैसे गिर जाएगा, लिटिल सिंघम तो देखो स्टंट पे स्टंट मारे जा रहा है। अरे हाँ गाइस ये देखो लिटिल सिंघम तो अपने स्केटबोर्ड पे टिका हुआ है, पर यार ये तो पक्का पानी में गिर जाएगा। आए पत्थर जी नहीं यार, ये देखिए लिटिल सिंघम तो पानी में नहीं गिरा, इसको है ना विंड मिल ने साइड में उठा के फेंक दिया, पर ये पानी में नहीं गिरा, इसके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। अरे ये कौन से नए नए रूल आ जाते यार, जब मेरी बारी आ रही होती तब तो कोई भी ऐसा रूल नहीं होता, और जब ये सब की बारी आती तो नए नए रूल आ जाते। आए फ्रैंकलिन पत्थर जी देखो यार ये लिटिल सिंघम भी रेड हल्क की फैमिली में आ गया। अरे हुड़ हुड़ दबंग लिटिल सिंघम तू तो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार। हाँ गाइस ये देखो लिटिल सिंघम कितना ज्यादा बढ़िया तो लग रहा है यार, यहाँ पे इसको देखो इतनी बड़ी यार बॉडी लेकर आ गया है। यहाँ पे देखो फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले को ऑल फादर के टैटूज भी मिल गए, लिटिल सिंघम को हल्की पावर्स मिल गई, और एक मैं हूँ यहाँ पे, मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं मिला, टाइटन गॉड्स वाई दिस कोलावेरिडी। आए पत्थर जी यार हम क्या करें, तू अपग्रेड ही नहीं हुआ, तूने अपना टॉल मीटर भरा नहीं। ये देखिए यार इन लोगों ने अपना टॉल मीटर भर लिया तो फुल करके कितना ज्यादा अपग्रेड हो गए।
है। अरे हाँ गाइस, बात तो सही, अभी देखो नेक्स्ट कौन आ रहा है। आयला, नेक्स्ट तो मैं जाऊंगा, और मेरे को तो स्केटबोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही कूद जाऊंगा यहाँ से, मैं एकदम क्रेजी हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गाइस ये देखो यार, ये क्रिश तो है ना यहाँ पे नीचे ऐसे कूद गया, अरे ये भी मेरी तरह नीचे गिर गया। आयला फ्रैंकलिन, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देख मैं एकदम खतरनाक प्लेयर हूँ, ये देख मैं यहाँ पे गिरता गिरता यहाँ पे आगे चला के आ जाऊंगा। गाइस ये देखो ऐसे नहीं चलेगा यार, ये क्रिश देखो यार, अरे इसने लात मारी है पे, ओए यार बेचारे को लगी। आयला नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं लग रही है, डोंट यू वरी फ्रैंकलिन, मैं जीत के यहाँ तक आगे तक पहुँच ही जाऊंगा। ये देख मैं यहाँ पे आया और ये वाले ये भी इससे भी गायब हो गया, और ये देख अभी जाऊंगा गाइस, ये तो पानी में जाने वाला है पक्का पक्का। आयला फ्रैंकलिन ये देख, तूने मेरी टेक्निक नहीं सीखी। अरे ये कौन सी टेक्निक है? आयला फ्रैंकलिन ये देख, मैं तो हवा में भी चल सकता हूँ, हवा में चलने की टेक्निक तुझे आती है क्या? अरे हवा में कैसे चलते? आयला ये देख, अभी मैं मेरा स्केटबोर्ड निकालूंगा और हवा में चलते चलते यहाँ पे आ जाऊंगा, और ये देखो जंप लगाया मैंने, अब मैं एकदम रेडी हूँ यहाँ पे फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। आयला फ्रैंकलिन ये देख, मेरे को तो सेवन हेडेड ऑल फादर क्रिश की पावर मिल चुकी है, वो भी मैं एक रेड कलर का हल्क बन चुका। और बल्ले बल्ले हो गए यार, तुमको तो क्रिश मेड से भी अच्छी पावर मिली है। आयला हाँ देखो, मेरे को इतनी तगड़ी पावर मिली फ्रैंकलिन, है तेरे पास इतनी खतरनाक पावर? अरे कीड़े फ्रैंकलिन ये देख, क्रिश ने अच्छे से काम किया, हवा में चलने की टेक्निक दिखाई, इसके लिए हमने उसे खुश होके कितना तगड़ा अपग्रेड दिया, सेवन हेड वाला ऑल फादर रेड हल्क क्रिश बना दिया हमने उसे। तेरे को ऐसी पावर हम कभी भी नहीं देंगे कीड़े, कभी भी नहीं देंगे। अरे हाँ कीड़े, कभी भी नहीं देंगे। गाइस ये देखो अब नेक्स्ट कौन आने वाला है, यहाँ पे देखो कीको आएगा शायद से, या फिर शिनचैन आएगा। यार मेरे को तो पावर मिली नहीं, इन सब लोगों को पावर देता हुआ देख रहा हूँ। रुको यार, अब तो मैं यहाँ पे चैलेंज कोर्स पे तो नहीं जा सकता, पर यार यहाँ पे जाता हूँ, देखते हैं यार यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो तीनों की पावर, अभी देखते कौन आगे जा रहा है। अरे नेक्स्ट शिवा जाएगा, अरे नहीं शिवा से पहले कीको जाएगा, मैं ज्यादा बड़ा हूँ ना इसके लिए। ओए पुत्र जी कीको यार, तुमको भी मेरा आशीर्वाद है। गाइस ये देखो दद्दू हल्क ने सबको अपना आशीर्वाद दिया, बस मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे को तो लगता है इसके लिए मैं हार गया। ये देखो कीको भी जा रहा है यार, और ये तो देखो क्या मस्त टेक्निक लगा रहा है, ये तो स्केटबोर्ड पे बैठ गया यार, और स्केटबोर्ड पे बैठ जाने के कारण इसका तो बैलेंस बहुत ज्यादा तगड़ा रह रहा है। और ये देखो यार, मेरे को तो लगता है ये इसी कारण से जीत जाएगा। आयला फ्रैंकलिन बिल्कुल सही बोला, कीको का बैलेंस तो बहुत ज्यादा तगड़ा है, ये देख यार ये नीचे नीचे बैठे बैठे पहुंच गया वहाँ पे। अरे कीको भैया बहुत अच्छा किया। हाँ कीको तुमने तो बहुत अच्छा गेम खेला, चलो यार तुम भी अपग्रेड हो जाओ जल्दी जल्दी से। अरे बच्चों ये देखो कीको ने इतना अच्छे से रैम चैलेंज किया, इसके लिए हमने उसका टॉल मीटर एक्स्ट्रा अपग्रेड किया। ये देखो यार कीको की हाइट बाकी सब लोगों से डबल हो गई है। अभी तक तो मैं सबसे छोटा था, पर अभी मैं सबसे ज्यादा छोटा नहीं रहा, मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कीको बन चुका हूँ। कितना ज्यादा मजा आ रहा है, देखो मेरे कुल्ले कैसे ओले ओले कर रहे। अरे गाइस देखो कीको ने बहुत अच्छे से रैम चैलेंज किया ना, इसके लिए ना टाइटन गॉड्स ने कीको को रिवॉर्ड दे के कितना ज्यादा टॉल बनाया। ये देखो कीको का टॉल मीटर थोड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ा यार, ये सब जन बाकी के हीरोज दिख रहे हैं और उनकी तो हाइट कीको से आधी है, और ये कीको तो इतना खतरनाक है। अरे शिवा भाई तुम भी मेरी से टेक्निक इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाओगे तुम भी ये सारे लोगों से। अरे हाँ डोंट वरी शिवा भी ऐसे ही करेगा। गाइस ये देखो शिवा भी अपग्रेड हो रहा है, मैं अपग्रेड नहीं हो पा रहा। ये सारे छोटे छोटे बच्चे देखो गाइस यार मेरे से ज्यादा अपग्रेड होते जा रहे। अरे फ्रैंकलिन भैया तुमसे तो वैसे भी लंबे थे, तुम तो 1.5 फुटिया हो, हम तो 6 फुटिया है, और अभी तब और भी अपग्रेड हो जाएंगे। अरे ये क्या हो गया, अरे गड़बड़ हो गई, मैं स्केटबोर्ड से फिसल गया। ओए गाइस ये देखो शिवा भी स्केटबोर्ड पे फिसल गया, बलिया मजा आ जाएगा, अब तो ना इसको अपग्रेड नहीं मिलेगा। ये देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे एक सेकंड ये क्या हुआ? अरे देखो मैं तो फिसलता ये आइलैंड पर आ गया ना, यहाँ पे सब बच जाऊंगा, चलो धीमे धीमे आगे चलता हूँ। अरे फिर से फिसल गया मैं तो मेरे स्केटबोर्ड से। अरे अब तो देखो गाइस एक बार नहीं दो बार फिसल गया, अब तो इसको अपग्रेड मिलना ही नहीं चाहिए। ये तो इसने तो की शिवा ने तो एकदम ही ज्यादा गड़बड़ कर दी है। अरे नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, टाइटन गॉड देखो मैं हार नहीं मान रहा ना, कोशिश करके जो कभी हार नहीं मानता उसको तो अपग्रेड मिलता है ना। अरे हाँ कीड़े जो लोग मेहनत करते उन बच्चों को हम हमेशा है ना अपग्रेड देते। अरे मैंने भी तो अपग्रेड करने के लिए मेहनत करी। अरे कीड़े नहीं फ्रैंकलिन, तूने तो एक बार अगर तू स्केटबोर्ड से गिर गया तो तू हार मान लिया, ये देख की को दो बार स्केटबोर्ड से गिरा उसके बाद भी वो स्केटबोर्ड से ना हार नहीं माना और यहाँ नीचे उतर के आ गया। हम वेरी इंप्रेस्ड है कीको बच्चे, हम तुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, तुझे भी अपने भाई शिवा के जैसी हाइट मिलेगी। मेरा नाम शिवा ही है ऑलरेडी, कीको नहीं हूँ मैं। ओह माय गॉड लुक एट मी, मेरी तो साइज कितनी बड़ी है, ये तीनों को मिला के भी मेरी साइज ज्यादा बड़ी है इन लोगों से। अरे हाँ गाइस ये देखो यार, ये शिवा को तो क्या हाइट मिली यार, ये तीनों जन से भी ज्यादा बड़ी साइज का बना है कीको तो। कीको नहीं यार शिवा, ये देखो यार। अरे कीड़े फ्रैंकलिन ये लोग ये बच्चों ने बिल्कुल हार नहीं मानी, इसके लिए देख हमने इसको स्पेशल रिवॉर्ड दिया है। इसकी हाइट भी इसके भाई कीको जितनी डबल है, पर यार इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ये थोड़ी बार गिर गया था ना, और कीको ने परफेक्ट जंप किया था, इसके लिए उसको परफेक्ट बॉडी ऑल फादर के टैटूज के साथ मिली है। यहाँ पे देखो शिवा को भी ऑल फादर के टैटूज वाली बॉडी मिली है, लिटिल सिंघम को ऑल फादर के टैटूज नहीं मिले क्योंकि उसको पुलिस में जाना है, क्रिश को सेवन हेड और ऑल फादर की बॉडी मिली है, और फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले को द बंगल की बॉडी मिली है। अभी मेरी बारी भी आई है अपग्रेड होने की, मेरे को भी बहुत अच्छी तगड़ी बॉडी मिलेगी, मैं भी देखो एकदम परफेक्ट जंप लगाऊंगा। और ये देखो मैं तो यहाँ पे पैर पहने चल के करूंगा, मैं ना स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करूंगा ना मैं यहाँ पे गिर के इस्तेमाल करूंगा। शिनचैन नुहारा सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है, इसके लिए मुझे कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। आओ ये क्या हो गया,
गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगती है, आउच 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 थोड़ी लग गई, कोई बात नहीं। पर ये देखो मैं तो यहाँ पे सारी ऑब्स्टिकल्स को फांड के आ रहा हूँ और एक बार भी अटका नहीं हूँ मैं। अरे हाँ शिनचैन कीड़े, तू भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे शिनचैन कीड़ा भी अपनी जिंदगी जी रहा है। ओए 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 गाइस देखो इसको तो है ना यहाँ पे है ना आगे निकाल दिया। ये देखो इसने स्केटबोर्ड निकाल लिया अपना, देखते हैं क्या कर पाता है। ओ माय गॉड नो 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 गाइस, ये देखो शिनचैन ने भी पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स कितना फटाफट क्लियर कर लिया। और गाइस ये देखो शिनचैन को भी ऑल फादर के टैटूज मिल चुके हैं। भले इसकी हाइट कीको और शिवा जितनी नहीं बड़ी, पर शिनचैन की हाइट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओ पिंकी भाई देखो मेरे को ऑल फादर के टैटूज भी मिल गए, मेरी तो हाइट मीटर भी फुल हो गई, तुमको क्या मिला? बाबा जी का ठेंगा। गाइस बात तो सही है, मुझे तो बाबा जी का ठेंगा ही मिला। और देखो अभी तो सब जन अपग्रेड हो गए। अरे पत्थर जी सब जन अपग्रेड नहीं हुआ है, अभी एक जन बाकी है। अरे अब कौन बाकी है, यहाँ पे तो सब जन चले गए। अरे कीड़े सबका फेवरेट, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजरस भीम की शक्ति अभी धूम मचाने आने वाला है। और भीम की शक्ति धूम मचाने आ गई है। और ये देखो मैं तो डायरेक्ट पैराशूट से नीचे जाऊंगा। अरे गाइस ये देखो भीम क्या कर रहा है, ये तो डायरेक्ट पैराशूट से है ना फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहा है। यार ये तो थोड़ी सी चीटिंग हो गई ना, इसे तो रैम चैलेंज किया भी नहीं। ऐसी बात है क्या फ्रैंकलिन, रुक जा अभी भीम की शक्ति धूम मचाने ऊपर आता है। गाइस ये देखो यार ये भीम तो यहाँ पे डायरेक्ट है ना पैराशूट करके चीटिंग करके जा रहा है। अरे कीड़े कोई चीटिंग नहीं हुई है, पैराशूट करके भी है ना इसको कंप्लीट कर सकते चैलेंज को। अरे टाइटन हल्क तुम चिंता मत करो, मैं अपग्रेड हो जाऊंगा फिर मैं सब कुछ फ्रैंकलिन के बच्चों करके बताऊंगा, बहुत जुबान चला रहा है ना। ये देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और ये देखो अरे ये क्या हो गया। अरे कीड़ो ये देखो यार भीम ने सबसे खतरनाक तरीके से रैम चैलेंज किया ना, इसके लिए हमने उसे कीको जितनी हाइट दी, शिवा जितनी बॉडी दी और है ना कृष के जितने है ना हेड दिए। गाइस ये देखो भीम को, अरे इसके पास तो 7 हेड भी है, कीको जितनी सुपर हाइट भी है, मतलब इसका हाइट मीटर भी एक्स्ट्रा फिल करा, और इसके फेस पे भी ऑल फादर के टैटूज है, बॉडी पे भी ऑल फादर के टैटूज है। तद्दू हल्क मेरे से ये दुख सहन नहीं हो रहा, देखो यार मेरे अलावा सब जन अपग्रेड हो गए, ऐसा मत करो प्लीज मेरे पास आते यार, मुझे भी अपग्रेड होने का एक और मौका दो। पत्थर जी मैं कुछ नहीं कर सकता यार, टाइटन गॉड्स ने जो कह दिया कह दिया। ये देखो तुमको रैम चैलेंज पे बुलाया होता और तुम अच्छे से रैम चैलेंज करते तो तुम्हें कितनी तगड़ी तगड़ी पावर मिल जाती। यहाँ पे देखो कीको, शिवा, लिटल सिंगम, क्रिश, बल्ले बल्ले, जट, शिनचैन और ये भीम की शक्ति को तो कितनी तगड़ी पावर मिल चुकी है। अरे हाँ सबको बहुत तगड़ी पावर मिली है गाइस, इन सब लोगों का टॉल मीटर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यार मैं तो सोच भी नहीं पा रहा इतना ज्यादा टॉल मीटर इन सब लोगों का बढ़ चुका है, मेरा तो टॉल मीटर बढ़ रहा ही नहीं है गाइस। यार देखो मैं तो पूरा एकदम सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट हूँ। पिंकी मैं तुम्हारा टॉल मीटर तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, तो डुअल ग्रैम चैलेंज को है ना ताला लगा दो। अब पिंकी मैं को यहाँ पे बुलाने मत देना। अरे प्लीज 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 डुअल के एक लास्ट मौका और दो प्लीज, ना दे दो ना। आए पुत्र जी नहीं दे सकता मैं मौका, समझो यार मेरी बात, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं यार, मेरे पास जो तुम्हारे को चांस था दे दिया यार, तुमको फर्स्ट भी जाने दिया, तुमने गड़बड़ कर दी तो मैं क्या करूँ यार। अरे गाइस बात तो सही है, दद्दू हल्क के हाथ में कुछ है नहीं, मुझे टाइटन गॉड्स का ही था, प्लीज बोलना पड़ेगा। टाइटन गॉड्स प्लीज 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 तुम लोग मेरी बात मानो यार, मुझे एक और बार मौका दो। तो नहीं टाइटन गॉड्स मौका मत देना, बिल्कुल भी मौका मत देना फ्रैंकलिन मैं को। अरे हाँ कीड़े शिनचैन को तो बिल्कुल बात माननी पड़ेगी हमें, हम लोग बिल्कुल मौका नहीं देंगे फ्रैंकलिन को एक और बार अपग्रेड होने का, क्योंकि उसने गड़बड़ कर दी थी। गाइस ठीक है यार, ये देखो एक बार मैंने रैम चैलेंज में गड़बड़ कर दी ना तो ये लोग मुझे फिर से मौका नहीं दे रहे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर गाइस ये देखो यार ये एक चीज टाइटन गॉड्स भूल गए, मेरा नाम है फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन द ग्रेट कभी हार नहीं मानता। टाइटन गॉड्स मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों की हेल्प के बिना भी मैं खुद की हाइट को बढ़ा के रहूंगा और मेरा हाइट मीटर है ना टॉल मीटर सब एकदम फुल कर लूंगा। अरे कीड़े हमारी मदद के बिना तो तुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी अपना टॉल मीटर बढ़ाने के लिए। अरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके टॉल मीटर बढ़ाऊंगा पर मेरा टॉल मीटर बढ़ा के रहूंगा। गाइस देखो अब तुम सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन भाई तुम ये टाइटन गॉड्स है ना लफड़ा करके किधर जा रहे हो। गाइस देखो यार मुझे एक चीज पता है कि टाइटन गॉड्स है ना ये वाला जो इन लोगों ने रैम चैलेंज बढ़ाया जिसकी मदद से है ना ये अपनी हाइट फटाफट सब जनों ने बढ़वा ली, टॉल मीटर बढ़ लिया, ये वाला रैम चैलेंज है ना इन लोगों ने टाइटन गॉड्स अपने मैजिक से आज सुबह ही बनाया था। तो ये लोग है ना टाइटन गॉड्स बहुत ज्यादा आलसी है, ये रैम चैलेंज को भी यहाँ से हटाएंगे नहीं क्योंकि ये सब जन पार्टी करने जाएंगे अभी क्योंकि सब जन का टॉल मीटर बढ़ गया। अरे कीड़ो चलो सब जन पार्टी करने चलते क्योंकि यार तुम सबका टॉल मीटर बढ़ चुका है, तुमको अपग्रेड तो और होना नहीं है। अरे हाँ भीम की शक्ति को धूम मचानी है, राजकुमार इंदुमती के साथ लड्डू खाने हैं, मुझे तो छोटा भीम। अरे कीको को भी पार्टी करनी है, अरे शिवा को भी, अरे लिटल सिंगम को भी पार्टी करनी है, हाला कृष को भी पार्टी करनी है। हाँ तो गाइस देखो ये सब लोग तो यहाँ पे पार्टी करने चले जाएंगे, सारे टाइटन गॉड्स भी यहाँ से चले जाएंगे, पर ये वाला जो रैम चैलेंज जिससे हाइट बढ़ रही है और जो ट्रॉफी है जो पावर दे रही है ये अभी भी है ना वहीं पे रहेगी रात को भी। तो जब रात हो जाएगी तब कोई देख नहीं रहा होगा ना, डद्दू हल्क भी चले जाएंगे, सारे टाइटन गॉड्स भी चले जाएंगे, तब मैं जाऊंगा वापस से यहाँ पे रैम चैलेंज को अकेले करने जिससे मेरी हाइट थोड़ी तो बढ़ जाए। अभी गाइस देखो इन सब लोगों ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया पर तुम लोग मुझे पूरा प्लीज सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ना टॉलेस्ट लिख दो,
TALLEST। अभी दद्दू हल्क ने सिर्फ टॉल लिखवाया था, तुम टॉलेस्ट लिखो जिससे मैं लॉस सेंटोस का टॉलेस्ट रेड हल्क बन पाऊँ। मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे टॉलेस्ट रेड हल्क बनना यार, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। तो जल्दी से तुम लोग मेरे प्यारे सपोर्टर्स मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में टॉलेस्ट लिखना। फ्रैंकलिन तो अभी भी सबको टॉलेस्ट लिखवा रहा है, कोई टॉलेस्ट नहीं लिखेगा ना ही कोई वीडियो को इसके लिए लाइक करेगा। हाँ हाँ, ये टाइटन गॉड्स मेरे पे गंदी नजर डाल रहे हैं, मुझे पता है गाइस, पर तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे, टॉलेस्ट भी लिखोगे, मैं फोन में देख रहा हूँ, सब जन वीडियो को लाइक लगा रहे, टॉलेस्ट भी लिख रहे, जिससे मैं टॉलेस्ट हो जाऊँ। चलो बस, अब मुझे रात तक का वेट करना जिससे सारे टाइटन गॉड और सब जन यहाँ से चले जाए, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। ओके गाइस, ये देखो यार, रात हो चुकी है, रात के ना 4 बज चुके, मतलब सब जन यहाँ से चले गए। हाँ हाँ, देखो गाइस, कोई भी टाइटन गॉड भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, और ना ही देखो किको, शिवा, शिनचैन कोई भी है यहाँ पे। देखो सिर्फ और सिर्फ ये खतरनाक सा है ना यहाँ पे, वो है जहाँ पे स्टेज बना हुआ था पावर अपग्रेड का। और ये देखो रात को तो यहाँ पे ना अपग्रेड होने वाला मैजिक भी दिख रहा है, जिसके कारण अपग्रेड हो रहे थे। दिन में तो अपने कोई मैजिक दिख नहीं रहा था कि मैजिक के अंदर जाऊंगा और मैं अपग्रेड होऊंगा। ये देखो यार, ये थोड़ा चैलेंज करना मुश्किल होगा अकेले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, पर मैं यहाँ पे अपग्रेड होकर रहूंगा। एक सेकंड गाइस, ये कौन है? अरे यार, यहाँ पे तो टाइटन गॉड्स एक सिक्योरिटी वाला बिठा के गए, उनका सबसे खतरनाक मंकी सोल्जर। पर कोई बात नहीं, मैं यार इसको भी बुद्धू बना दूंगा। चलो यार यहाँ पे आ जाता हूँ। हेलो जी, हेलो जी मंकी सोल्जर, सुनो। क्या हुआ? यहाँ पे तो मेरे को बोला था कि रात को किसी को घुसने नहीं देना। फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तुमको दिन में डिस्क्वालीफाई तो कर दिया था ना? अरे हाँ, दिन में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था, पर मेरे को टाइटन गॉड्स ने बाद में बोला था कि मैं रात को इधर आके चैलेंज की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जिससे मैं अगली चैलेंज में अपना टॉल मीटर फुल कर सकूं। मुझे तो लग रहा है फ्रैंकलिन झूठ बोल रहा है, ऐसा टाइटन गॉड्स कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि टाइटन गॉड्स फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करते। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं यार, सब जन से देख कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार। गाइस देखो, है ना, कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे। मैं कमेंट सेक्शन की बात नहीं मानता, मैं सिर्फ टाइटन गॉड की बात मानता हूँ। तुझे सीक्रेट पासवर्ड पता है क्या? सीक्रेट पासवर्ड तो नहीं पता। अरे तो सीक्रेट पासवर्ड के बिना मैं तुझे अंदर नहीं जाने दे सकता। गाइस तुम लोगों को सीक्रेट पासवर्ड पता है क्या? अरे मंकी जी, कोई तो तरीका होगा ना यार, कोई तो तरीका होगा ना यार, मुझे ना ये रैम चैलेंज करने दो प्लीज यार, मुझे ये वाला रैम चैलेंज करना और वो मैजिक से खुद को अपग्रेड करना है। अच्छा, एक तरीका है, तुम ही जल्दी से बता कि 10-4 कितना होता है। अगर तूने मुझे ये बता दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। अरे 10-4 यार, ये क्यों पूछ रहा है यार, मेरा मैथ्स तो बहुत ज्यादा कमजोर है। गाइस देखो, तुम्हें मदद करनी पड़ेगी वापस से यार, मेरे को पता है बहुत ज्यादा बार मदद करने के लिए बोल रहा हूँ, पर क्या करूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। जल्दी से 10-4 कितना होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो यार। पर इसने 10-4 ही क्यों पूछा मुझसे? ये तो बहुत ज्यादा सीक्रेट क्वेश्चन है, तुझे ये नहीं पता क्या? अरे गाइस एक सेकंड यार, मैं समझ गया, 10-4 तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तुम में से बहुत सारे जनों ने अभी तक कमेंट कर दिया कि 10-4 6 होता है। ये मंकी ने मुझे 10-4 = 6 इसके लिए पूछा, क्योंकि सारे हल्क 6 फुट लंबे होते हैं, तो उनकी हाइट पूछकर अपने को अपना टॉलनेस बढ़ानी है ना, इसके लिए 6 आंसर होगा। सही बोला ना? हाँ बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन, तुझे सीक्रेट पासवर्ड पता था, सारे हल्क की हाइट 6 फुट के होते हैं वो। ठीक है, तू जा सकता है आगे खुद को अपग्रेड करने के लिए। अरे गाइस ये देखो, ये मंकी को तो मैंने बुद्धू बना दिया, चलो बहुत बढ़िया काम हो गया। गाइस ये देखो, मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा यार, आई एम वेरी है ना स्केर्ड, पर यहाँ पे मैं कुछ भी करके अपग्रेड तो होने जाऊंगा। ये देखो मेरा स्केटबोर्ड निकाला मैंने, और एकदम आराम आराम से जाना, यहाँ पे ज्यादा स्पीड नहीं लगानी है मुझे, क्योंकि ज्यादा स्पीड लगाऊंगा गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखो मैं भी को की तरह ना अपने स्केटबोर्ड पे बैठ गया। अरे नहीं 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 नहीं, गाइस ये देखो, अरे ओ गाइस ये देखो, ये क्या हो गया, ये मैजिकल डस्ट मेरे पे पड़ी और मैं एक रेड हल्क में कन्वर्ट हो गया। और देखो यार, भले ही मैं सबसे ज्यादा टॉलेस्ट रेड हल्क में कन्वर्ट नहीं हुआ हूँ, पर देखो यार मैं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड हल्क में तो कन्वर्ट हो गया हूँ। मेरे पास है ना कितने खतरनाक क्लॉज आ गए, मतलब ये है ना ब्लेड जैसी आर्म्स आ गए, और इसके ऊपर मेरे पास ऑल फादर के टैटूज भी है यार। चलो यार, मेरे को थोड़ी सी तो हाइट मिली। अब देखो, तुम देख सकते हो मेरा टॉल मीटर थोड़ा सा तो अपग्रेड हो गया, अब मैं कुछ और करके अपने टॉल मीटर को और भी बढ़ा दूंगा। आए पत्थर जी, फ्रैंकलिन रुको यार, ये तुमने क्या कर लिया? अरे क्या हुआ दद्दू हल्क यार, मैंने खुद को अपग्रेड कर लिया। आए पत्थर जी, पर टाइटन गॉड्स ने तुम्हें अपग्रेड होने के लिए ना बोला था ना? अरे दद्दू हल्क, पर तुमने क्या बोला था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो देखो मैंने हार नहीं मानी और मैं एक रेड हल्क में अपग्रेड हो गया, भले ही छोटी हाइट का, पर अपग्रेड तो हो गया हूं ना। आए पत्थर जी, बात तो सही है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड यार, तुमने सब जनों को देखा अपग्रेड होते हुए, सबको इतनी तगड़ी तगड़ी पावर्स मिली, पर तुम्हारे साथ चीटिंग हुई उसके बाद भी तुम्हें पावर्स नहीं मिली, पर तुमने हार नहीं मानी। अरे दद्दू हल्क, मैं हार नहीं मानता, मेरे को तो सिर्फ अपग्रेड होने से मतलब है, भले मुझे मेहनत करनी पड़े। देखो ये मैंने मीटर थोड़ा सा खुद से भरा ना, और भी आगे खुद भरूंगा। आए पत्थर जी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय यू कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक टॉलेस्ट रेड हल्क में अपग्रेड होने के लिए। मैं तुम्हें शिनचैन, किको, शिवा सब जनों से टॉलेस्ट रेड हल्क में कन्वर्ट करूंगा। हैं ऐसा कैसे करोगे? आए पत्थर जी, तुम्हें पता है ना कि है ना हल्क की भैंस का दूध पीने
करने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है। अरे हाँ, ये मुझे पता यार, पर मेरे को तो लगा था ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आपकी हेल्प के बिना करने के लिए। हाय पुत्ता जी, डोंट वरी ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये कर सकते है तुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डोंट यू वरी। अरे क्या दद्दूल, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ पुत्र जी, अब मैं तुम्हारा मीटर भरने में मदद करूंगा। अरे वाह गाइस, देखो बल्ले बल्ले हो गए, ये दद्दू हल्क ने तो मेरी हेल्प करने के लिए एग्री हो गए। अब तो गाइस मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी है ना, वह ना हल्क की भैंस का दूध पी के अपग्रेड हो जाऊंगा। चलो यार दद्दू हल्क, मुझे पहले बताओगे कैसे है ना अपग्रेड होना है? हाय पुत्र जी, डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हल्क की भैंस का दूध सबसे पहले कहाँ मिलेगा। गाइस अब तो अपग्रेड हो जाऊंगा जल्दी जल्दी से, लेट्स गो। अरे रे रे दद्दू हल्क यार, ये मुझे कहाँ पे लेकर आ गया यार? हाय पुत्र जी यार, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पे हमें है ना हल्क की भैंस का दूध मिल सकता है, जिसको पी के तुम बहुत ज्यादा तगड़े और लंबे हो जाओगे। अरे क्या ऐसा कहाँ पे दूध मिल रहा है यार, और इतना आसानी से मिल रहा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाय पुत्र जी, आसानी से नहीं मिल रहा था, इसके लिए तो हमने कॉम्पिटिशन रखा है। हल्क की भैंसों का दूध बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। वो सामने दुकान देख रहे हो, उसमें देखो एक ही बॉटल है, वो भी आधी भरी हुई है, पर तुम इसको पी के अपनी हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, पर इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अरे कोई बात नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं इसको है ना जीत के लेकर आ जाऊंगा, जीत के नहीं आई मीन खरीद के लेकर आ जाऊंगा। हाय पुत्र जी, क्या तुम्हें पक्का शौर है तुम्हारे पास इतने पैसे? हाँ हाँ, ये देखो यार मेरे पास 2 लाख रुपए यार, 2 लाख रुपए नहीं, 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए में तो एक दूध की बोतल तो आई जाएगी ना, फिर अगली बोतल के लिए देख लेंगे। हाय पुत्र जी, ऐसी बात है तो जाओ और जल्दी से उस दुकान वाले से बात करके आओ। हाँ गाइस यार देखो, सिर्फ एक दूध की बोतल ही तो लेनी है, दूध की बोतल 2 करोड़ रुपए में नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलो यार यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ। हाय पुत्र जी, ध्यान से जाना है, दुकान वाले बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है सब जन क्रेजी होते हैं, ये रोड क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना है। और ये देखो जंप मार के मैं यहाँ पे आ गया 24/7 सुपर मार्केट में। चलो यहाँ पे अंदर चलते हैं। हेलो जी, हेलो, यहाँ पे कोई है क्या? अरे सर जी, वेलकम 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 टू माय शॉप, क्या चाहिए? आज हम लोगों ने देखो बहुत तगड़ा डिस्काउंट लगा रखा है यहाँ पे, चॉकलेट बाय वन गेट वन फ्री पे मिल रही है। अरे वाह, चॉकलेट बाय वन गेट वन फ्री पे मिल रही है, इतनी बढ़िया बढ़िया चॉकलेट है। पर यार मैंने तो सुना था यहाँ पे है ना मस्त यार ड्रिंक्स बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी मिलती है। अरे हाँ सर जी, बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी ड्रिंक्स मिलती है। ये देखो यार, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कोको कोला है, यहाँ पे हमारे पास है ना पेप्सी, फैंटा, स्प्राइट सब कुछ है। और आपको फ्रूट जूस पीना तो देखो कितने तगड़े तगड़े हमारे पास फ्रूट जूस भी है। हमारे पास आम का रस है, बनाना का रस है, पपीते का रस है, केले का रस है, और यहाँ पे आपको कोला पीना तो कोला भी है। बताओ बताओ सर जी, क्या लोगे? सिर्फ 10 रुपए का ग्लास है। अरे मुझे ये कोला पेप्सी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ये वाला चाहिए यार, ये गाय का दूध चाहिए, भैंस वाला, जिसको मैं पी के अपनी हाइट बढ़ा सकूं। अरे मैं भी क्या बोला था यार, मेरे को समझना चाहिए था तुम्हें हल्क को, तो ये हल्क वाला मौजूद ही लेने आओगे ना। सर जी देखो यार, बहुत लिमिटेड स्टॉक में बनता ही है, आधा बॉटल ही बची है मेरे पास, इसके तुम्हें ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अरे क्या बावड़ी पूछे क्या, एक आधी बोतल के 10 करोड़ रुपए? अरे सर जी, इसको पी के तुम्हारी हाइट ऐसे फुर 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 करके बड़ी हो जाएगी, तुम्हें नए हेड्स मिल जाएंगे, विंग्स मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी यार। उसके बाद तुम ऐसी कंजूसी करो, कितने रुपए तुम्हारे पास मुझे पता बताओ? अरे मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए। अरे सर जी, 2 करोड़ रुपए में तो इसका एक गिलास भी नहीं आएगा यार, कुछ नहीं कर सकते यार, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे गाइस अभी क्या करूँ यार, ये देखो ये दुकान वाला तो कितना ज्यादा लालच कर रहे हैं दद्दू हल्क, क्या करूँ? हाय पत्थर जी, मैंने बोला था यार ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। गाइस मुझे इसको दो बना के ना 1-2 सिप तो लेनी पड़ेंगे इसके, थोड़ा सा नम नम करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा मीटर कितना बढ़ता है, उस हिसाब से पता चलेगा। इसको मुझे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे सर जी सुनो सुनो। अरे हाँ बोलो। अरे वो जो आजकल मार्केट में नई वो आई है ना लोगन पॉल और KSI की ड्रिंक, वो प्राइम एनर्जी ड्रिंक। अरे हाँ हाँ, हमारे पास है, हमने उसको इंपोर्ट करा के रखा है, पीछे की दुकान में रखते एकदम है ना मस्त छुपा के। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारे पास है क्या? अरे हाँ है ना सर जी, क्यों नहीं यार, हम सारी इंपोर्टेड चीजें रखते। हाँ तो एक काम करो, वो पीछे वाले ना एरिया से वो प्राइम की बॉटल लेकर आ जाओ। अरे सर जी, 500 रुपए की एक बॉटल है, चलेगा ना? अरे हाँ हाँ चलेगा चलेगा, लाके दो। मजा आ गई, 10 रुपए की बॉटल 500 रुपए में बेच दी, लोगों को आजकल बुद्धि बनाने में कितना मजा आता है। ये देखो यहाँ पे मैंने कैन रख रखा, निकाल के जल्दी से ले लेता हूँ। ओ गाइस जल्दी से इसको स्लर्प स्लर्प करता, स्लर्प 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 स्लर्प। ओ गाइस ये देखो मेरा मीटर बढ़ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। चलो थोड़ा सा और पी लेता हूँ मैं इसको। अरे एक सेकंड, ये क्या आवाज आ रही है? तुम मेरा दूध तो नहीं पीते ना हल्का? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पिया, तुम मेरी प्राइम एनर्जी ड्रिंक लेकर आए क्या? अरे वो प्राइम एनर्जी ड्रिंक तुम्हें लेकर आ गया, ये लो यार, लाओ मेरे को 500 रुपए दो। अरे हाँ ये लाओ, प्राइम एनर्जी ड्रिंक ले गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो मिस्टर बीस्ट की जो चॉकलेट बार आई है फीस्टेबल्स, वो है क्या तुम्हारे पास? अरे अरे क्यों नहीं है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे पास वो, तो देखो यहाँ पे मैंने रख रखी मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल्स भी रखते हैं हम लोग। कहाँ पे रखी यार, यहीं पे कहीं पे थी यार, कहाँ पे? यहाँ पे देखो चेजर, मीटियोराइट बार। अरे कहाँ गई यार, मैंने रखी तो थी, सारी बिक गई क्या? ओ गाइस ये मिस्टर बीस्ट बार ढूंढने में बिजी है, रुको और थोड़ा सा स्लर्प स्लर्प पहले तो स्लर्प 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 स्लर्प। अरे 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 रुक जा, तू मेरी है ना ड्रिंक चुरा रहा है, मेरे को पता चल गया तुझे पैसे नहीं देने, तुझे कोई प्राइम नहीं खरीदनी, मिस्टर बीस्ट की फेस्टिवल नहीं खरीदनी, तो सिर्फ यहाँ पे फ्री में मेरी ड्रिंक चुराने आया है ना, मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। जरा तू मेरी फ्री में ड्रिंक चोरी कर रहा है, गाइस भागो भागो। अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने 4-5 घूट पी लिए, कितने 4-6-8 करोड़ रुपए लूंगा मैं तेरे से। अरे नहीं माफ कर दो माफ कर दो, अरे ये अंकल तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे तो
इधर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, फ्री में तू मेरी ड्रिंक पी रहा है, वो भी गाय के भैंस के दूध की। तुझे पता है कितना ज्यादा महंगा ये है? 10 करोड़ रुपए का बोतल है मेरा। अरे हाँ, पर आधी बोतल तो 5 करोड़ की हुई ना। अरे तो 5 करोड़ रुपए तो दे, तूने कितनी सारी घूट पी ली, देख तेरा मीटर कितना ज्यादा बढ़ गया। अगर 2-3 और घूट पी लेता तो तू अपग्रेड ही हो जाता। अरे क्या, 2-3 और घूट पी लेता तो अपग्रेड हो जाता? अरे हाँ, क्यों नहीं हो पाता? गाइस तो एक बात बताओ यार, ये तो एक नॉर्मल इंसान है, मैं इससे डर क्यों रहा हूँ यार? इसको चपेट मार के दूध ले लेता हूँ ना मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अरे सही बात है, मैं इसे डर क्यों रहा हूँ? हाँ पुत्र जी, बात तो सही है, तुम इसे डर क्यों रहे हो यार? दूर खड़े रहो मेरे से, कृपया करके मेरे पास ना। अबे तेरी ऐसी तैसी, तूने मुझे झापट मारा कैसे और मैं तेरे से क्यों डर के भाग रहा था? कोई मेरे को तेरे से डरने की थोड़ी जरूरत है, भले मेरी हाइट छोटी है पर मैं एक हल्कू तेरे से ज्यादा स्ट्रांग तो हूँ ना। अरे माफ कर दो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकले। पता नहीं यार क्यों तुम मेरे से डर के भाग रहे थे, मैं भी फॉर्म फॉर्म में आ गया। अरे माफ कर दो। अरे नहीं, इधर आओ, तेरे को बहुत ज्यादा गुलचोर से घुसा मारूंगा। अरे बच्चों प्लीज यार, तुम लोग कमेंट सेक्शन में सॉरी लिख दो, वरना ये हेल्प मुझे छोड़ेगा नहीं। गाइस देखो, अगर तुम लोग सॉरी लिखते हो ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अरे बच्चों जल्दी से सॉरी लिखते हो, और यार हल्के काम कर, माफी के लिए मैं तुझे वाला दूध भी फ्री में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, नहीं प्लीज मुझे मानना मत। अरे गाइस क्या करूं, बेचारे को छोड़ दूं क्या? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुम सॉरी लिखोगे तो इसको छोड़ दूंगा, वरना इसको छोड़ूंगा नहीं, घुसे मार मार के इसका टकला बजा दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, प्लीज प्लीज यार मुझे मारो मत यार, ये वाला दूध है फ्री में ले लो। ठीक है, मैं मेरी दुकान भी तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, ओके बाय बाय। अरे गाइस ये देखो, ये अंकल ने भी लगता है एक दोस्त दूध के घूट पी लिए थे, इसके इतने लंबे लंबे जंप करके चले गए। पर कोई बात नहीं यार, मेरा काम तो हो गया ना, दद्दूवल सुनाना, दूध मिल गया मुझे। हाय पुत्र जी, हाँ यार पूरा दूध नम नम कर जाओ जल्दी से, देखो तुम अभी अपग्रेड हो जाओगे। ओके गाइस, नम 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 नम। ओ माय गॉड, ये देखो गाइस मेरी तो हाइट बढ़ गई। हाय पुत्र जी, वेरी फाइन वेरी फाइन, देखो बहुत बढ़िया काम कर लिया तुमने तो। अरे मजा आ गई गाइस, ये देखो यार मैं तो कितना ज्यादा टॉल, खतरनाक, ऑल फादर, टैटू वाला हल्क बन चुका हूं। और ये देखोगे गाइस, बहुत तगड़ी बात, ये देखो यार मेरी हाइट बढ़ने के साथ साथ मेरी टॉलनेस भी बढ़ रही है, टॉलनेस मीटर भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ मेरी पावर्स भी बढ़ रही है। ये देखो यार, रेड हल्क मतलब एक फायर हल्क होता है, उसकी पावर्स भी मेरे पास कितनी ज्यादा तगड़ी बढ़ती जा रही है। देखो यार और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। ओहो गाइस देखो, मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ, और ये देखो पीछे मेरे पीछे ये एनर्जी वेव्स भी आ रही है मेरे अंदर घुसने के लिए। हाय पुत्र जी, अभी तो देखो तुम सबसे ज्यादा टॉलेस्ट हल्क भी नहीं बने और तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, सोचो जब तुम टॉलेस्ट हल्क बन जाओगे तब क्या होगा। अरे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और गाइस देखो, मुझे एक नॉर्मल सिर्फ जायंट हल्क नहीं बनना रेड कलर का, मुझे तो है ना ऑल फादर टाइटन जितना लंबा चौड़ा खतरनाक बनना है, जिससे मैं ना शिनचैन, कीको, शिवा सब लोगों को हरा सकूं। हाय पुत्र जी डोंट वरी यार, तुम सबको हरा दोगे, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो यार, तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्ति आ गई है, बस तुम्हें थोड़ा सा और हल्का दूध चाहिए। अरे अभी देखो, एक शॉपकीपर को तो मैंने बुद्धू बना के दूध ले लिया, पर और कैसे लूंगा यार मैं दद्दूहल्क, तो मुझे बताओ। हाय पुत्र जी डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, आओ मेरे पास आओ। अरे हाँ हाँ, दद्दूहल्क तो पता नहीं यार यहाँ पे अमीरों की सोसाइटी में क्यों चले गए यहाँ पे। चलो यार मुझे भी वहीं पहुंचना जल्दी से उड़ के, लेट्स गो गाइस, दद्दूहल्क के पास कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। अरे गाइस ये दद्दूहल्क मुझे कहाँ पे लेकर आ गए, दद्दूहल्क क्या कर रहे हो? हाय पुत्र जी इधर तो आओ, देखो तुम्हें एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। अरे अपने यहाँ पे क्यों खड़े यार, ये तो सारे इतनी ऊंची बिल्डिंग है यार, यहाँ पे से अगर नीचे गिर गए तो हाइट बढ़नी तो कम, या जो टांगे वांगे वो भी टूट जाएगी। हाय पुत्र जी पर यार थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, तो ये तुम देख रहे हो नीचे कौन सा एरिया है? अरे हाँ ये देखो, लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा अमीर लोग यहाँ पे नीचे के घरों में रहते हैं। गाइस देखो इतने बड़े बड़े घर है यहाँ पे। हाय पुत्र जी हाँ, और तुम लोगों को पता है ये कौन सा दूध पीते, कौन सा दूध पीते? अमूल डेयरी का। हाय पुत्र जी नहीं यार, ये स्पेशल हल्क का दूध पीते। और देखो अभी सुबह सुबह ही सबके घरों में ये हल्क के दूध की डिलीवरी हुई है। अरे हाँ गाइस देखो, फार्म फ्रेश फुल फैट 1 लीटर दूध की डिलीवरी हुई है। ये देखो ये वाले घर में भी आया, और ये वाले घर में आया क्या? हाँ 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 देखो ये वाले घर में भी आया, और कोई दूसरा घर है क्या दद्दूहल्क, किसमें आया? हाँ पुत्र जी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घरों में यही वाला दूध जाता है, देखो सब जनों ने एक एक सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखा है, पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत आलसी है क्योंकि इनको सच नहीं पता कि ये हल्का स्पेशल दूध है जो 1 करोड़ रुपए लीटर से भी ज्यादा में बिकता है। इसके लिए ये लोग को तो लग रहा है नॉर्मल दूध को गार्ड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बार यहाँ पे से दूध की चोरी हो जाती है। दूध की चोरी हो जाती है मतलब क्या? हाँ पुत्र जी देखो यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और नीचे देखो चोरी हो भी रही है। अरे ये क्या यहाँ पे एकदम बुढ़ा और कमजोर आदमी आ रहा है? अरे आज तो मैं ये अमीरों के घर से दूध चुरा लूंगा, हेल्प वाला मेरी भैंस ने दूध दिया था उससे तो मैं कमजोर हो गया हूँ। ये देखो ये अमीर के घर में जाऊंगा, इसका दूध चुरा लूंगा और स्ट्रांग हो जाऊंगा। देखो इसने मेन गेट पे तो 2 सिक्योरिटी वाले लगा रखे, पर पीछे वाले गेट पे तो कोई सिक्योरिटी नहीं, इसको फांद के चला जाऊंगा मैं, मजा आ गया। अरे गाइस ये देखो यार, ये जो बुढ़े अंकल है ये तो यहाँ पे ना दूध अंदर घुस के आ गए, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, और सामने देखो वो हल्का दूध पड़ा, देखते उसका क्या होगा। अरे मजा आने वाला है मेरे को तो, यहाँ पे जल्दी जाके दूध पी लूंगा हल्का, 1
एक लीटर दूध से मैं तो अपग्रेड हो जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। चलो ये देखो ये रहा, आह यहाँ पे मेरे सामने रखा हुआ, नम 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 नम, आह मजा आ गई। देखो दूध चुरा लिया, बेटी क्या बॉडी बन गई। अरे गाइस ये देखो, ये इंसान ने सिर्फ ना एक दूध थोड़ा सा पिया, देखो यार ये तो कितने तो स्ट्रांग हो गया, क्या सिक्स पैक टैब्स आ गई क्या यार, ये तो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। अरे मजा आ गया, चोरी का दूध पी लिया, मजा आ गई। अच्छा गाइस मैं समझ गया, दद्दू तुम चाहते हो कि मैं भी इन सब लोगों का दूध जाके चुरा के पी लूं जिससे मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। हाय पुत्र जी, हाँ वैसे तो चोरी करना बुरी बात होती है, पर इंसानों को इसकी कदर भी नहीं है, ये इसको पूरा भी नहीं पीते और फेंक देते, इसे बॉर्नविटा मिला के पीते। तो तुम जाओ एक एक करके दूध चुरा के लेकर आ जाओ और तुम्हारा हाइट मीटर भर के टॉल हो जाओ तुम एकदम। हाँ समझ चुका हूँ गाइस मेरे को क्या करना है। चलो गाइस यार यहाँ पे जल्दी से चलता हूँ, और ये देखो पैराशूट खींचा। अब गाइस देखो यार मेरे को है ना यहाँ पे घुसना पड़ेगा, पर यार मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे मार काट करूँ, तो मैं एक काम करूंगा। देखो ये पहले घर के है ना आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे लैंडिंग करता हूँ। हाँ यहीं पे देखो मैं ना ऊपर से मुआवजा तो ले लिया है कि कहाँ पे है ना ये सारे दूध की बोतलें। तो देखो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं ना डेयरी से आया हूँ जहाँ से दूध आता है, और यहाँ पे है ना क्वालिटी चेकिंग करने आया हूँ, और दूध में कुछ गड़बड़ है तो मुझे दूध को टेस्ट करना पड़ेगा, वरना दूध को पी के कोई बीमार हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा बोल के मैं कुछ भी घुमा के ना दूध को टेस्ट करने के नाम पे पूरा दूध पी जाऊंगा। सिर्फ मुझे चार घरों में घुस के चार बार दूध पीना ऐसे करके, फिर तो मैं ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाऊंगा। चलो यार सबसे पहले ये वाले घर के अंदर घुसते। हेलो हेलो, ट्रिंग 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 ट्रिंग, कोई है क्या? अरे साहब जी बाहर गए हुए भीख मांगने बाद में आना। अरे मैं भीख नहीं मांगने आया हूँ, मैं ये डेयरी से आया हूँ। अरे क्या हो गया, दूध के पैसे लेने का? साहब जी नहीं है, बाद में मिलेंगे पैसे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आया हूँ बहुत ज्यादा। अरे क्या बुरी खबर हो गई? तुम्हारे ऊपर ये आग क्यों लग रही है मुझे ये तो बताओ। अरे लग रही आग आग को छोड़ो, ये जो दूध की बोतल तुम्हारे घर पे जो सुबह डिलीवरी हुई है ना, इसमें कुछ खराबी है। अरे क्या खराबी है? अरे वो डेयरी में सुबह ना माल फंक्शन हो गया था कुछ, यहाँ पे जो दूध सारा डिलीवरी हुआ वो फट गया, दूध का पनीर बन रहा है बोतलों के अंदर। अरे अच्छी बात है ना, तो पनीर की सब्जी बना के खा लेंगे सेठ जी। अरे नहीं नहीं चेक करना पड़ेगा, इससे पेट भी खराब हो रहा है, दस्त वस्त लग रहे लोगों को। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम लोग कैसा घटिया क्वालिटी का दूध डिलीवर करते हो। ठीक है करो टेस्ट। अरे ये क्या कर रहे हो, इसको बोतल को क्यों खोल रहे हो? अरे दूध कैसे टेस्ट करूंगा बोतल खोले बिना पागल आदमी। हाँ बात तो सही है, खोल के देख लो। रुको यार गाइस बोतल खोल के दे रहा हूं उसको जल्दी से, नम 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 नम। अरे क्या पूरा दूध पी जाओगे, क्या टेस्टिंग करनी है, क्या करनी है? अरे रुको तो सर यार। अरे तू क्या पागल है, पूरा दूध पी गया? अरे हाँ दूध पी गया, वो दूध की क्वालिटी बहुत खराब थी। अरे क्या दूध की क्वालिटी खराब थी? अरे हाँ इसके लिए मैं पूरा पी गया, तुम्हारे सेठ जी बीमार नहीं होना खराब दूध पी के, फिर तुम्हारी पगार कौन देगा? अरे बात तो सही है, सेठ जी बीमार हो गए तो हमारी पगार कौन देगा। चलो ठीक है धन्यवाद यार, तुम अपनी डेयरी वालों को बोल के दूसरा दूध भिजवा देना। अभी सेठ जी घर आएंगे, अगर उनको दूध नहीं मिलता तो बहुत गुस्सा करता फिर मेरे पे। अरे हाँ पक्का पक्का भिजवा दूंगा, और सेठ जी को बोलना कि है ना ये वाला दूध ना पिए जो बच्चा है थोड़ा सा, यार ये बहुत ज्यादा गंदा है, इसमें पास आ रही है दूध फट गया है पूरा। गाइस देखो बुद्धू बना दिया मैंने। चलो चलो ये वाले घर में भी जाता हूँ, यहाँ वाले घर पे भी मुझे कुछ ना कुछ स्कीम लगानी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड यार ये घर बिक रहा है क्या? अरे गाइस मेरे को तो लग रहा है ये वाला घर बिकने के बाहर आ रहा है, कि फॉर सेल लिखा है यहाँ पे डेविड चो, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है प्राइस रिड्यूस। रुको यार मैं जाके बात करता हूँ। हेलो 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 सर, ये घर बेच रहे क्या तुम लोग? अरे हाँ ये घर बेच रहे, हमारे साहब जी अभी इसी घर में रहते हैं, पर ये घर हमको बेचने का, आपको खरीदने में इंटरेस्ट है क्या? अरे हाँ है तो। आपको इंटरेस्ट है तो देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे यार मस्त एकदम बढ़िया सा घर ले सकते हैं। यहाँ पे देखो यार ये वाला हमारे दो पार्किंग गैराज है यहाँ पे, ये वाले घर में कितना 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला है। यहाँ पे देखो है ना स्विमिंग पूल भी इंक्लूडेड है, इसमें दो गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, पीछे इतना मस्त गार्डन है, यहाँ पे भी पीछे एक और गार्डन है, यहाँ पे आप अपनी छमक छल्लो के साथ ये हॉट टब में भी बैठ सकते हो। बहुत बढ़िया सा घर है यार, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है इस घर में तो। हाँ हाँ घर के फीचर्स तो बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं, वैसे घर बेच कितने रहे मेरे हो? अरे सर जी ज्यादा नहीं, बस 200 करोड़ रुपए में पूरी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। तो 200 करोड़ रुपए, बाप रे गाइस क्या करूँ यार। देखो मुझे घर में इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ ये दूध पीना है, क्या करूँ क्या करूँ। रुको 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 गाइस मैं ऐसा बोलता हूँ कि हाँ मैं ये घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो मेरे को ये दूध पीना है। अगर ये ना बोलेगा तो बोल दूंगा कि 200 करोड़ रुपए में घर खरीद रहा हूँ मैं, पर फिर तुम मुझे एक दूध का ग्लास भी नहीं पिला सकते, इतने ज्यादा कंजूस हो, फिर घर खरीदने की डील कैंसिल कर दूंगा, फिर तो इसको पक्का मुझे दूध पिलाना ही पड़ेगा। ठीक है ये करता हूँ। अरे भैया जी सुनो सुनो, मेरे को 200 करोड़ रुपए की डील मंजूर है, ये घर 200 करोड़ रुपए में मैं ले रहा हूँ। अरे क्या, मैंने तो 200 करोड़ रुपए ऐसे बोल दिए थे, तुम ले रहे 200 करोड़ रुपए में? अरे हाँ हाँ ले रहा हूँ यार, मेरे को लिए एकदम डील पक्की है। अरे वाह बॉस, तो मेरे से बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे बहुत तगड़ा कमीशन भी मिलेगा। ठीक है लाओ यार पैसे, तो अपने चेक साइन करता हूँ चलते। चेक तो साइन करता हूँ, पर उससे पहले यार मुझे थोड़े प्यास लग रही है, मुझे कुछ पिला दो। अरे यहाँ पीछे स्विमिंग पूल है, उसमें जाके डुबकी मार के पानी पी लो। अरे 200 करोड़ रुपए का घर खरीदा, सिर्फ पानी पिलाओगे मुझे? अरे क्या पिलाऊ क्या पिलाऊ मुझे पता नहीं। अरे सेठ जी का दूध आया, यही पिला देता हूँ, शायद से सेठ जी को गुस्सा तो आएगा, पर यार 200 करोड़ रुपए की डील करिए, सेठ जी क्या ही गुस्सा करेंगे। ये देखो उठा लेता। अरे सर जी काम करो, आप ये दूध पी लो यार, ये दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का सर जी मंगाते हैं, तो पी लो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, फिर मेरे को 200 करोड़ रुपए देके घर की डील कैंसिल करते। कैंसिल करते? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब है फाइनल करते, फाइनल। हाँ फाइनल कर दो, मेरे साथ डील
फाइनल करो। अरे हाँ हाँ फाइनल करता हूँ जल्दी से गाइस, ये देखो दूध पी लेता हूँ। नम 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 नम, सारा दूध पी लिया। अरे हवा में क्यों उड़ रहे हो? रुको रुको, इसको तो कुछ बहाना देना पड़ेगा। अरे गंदा दूध पिलाया तूने, छी छी छी, बहुत ही ज्यादा गंदी क्वालिटी का दूध पिला दिया। मैं तेरे साथ 200 करोड़ रुपए का डील कर रहा हूँ, मेरे को गंदा दूध पिला रही है। अरे क्यों थोड़ा अपना घर मेरा ना, डील मेरी है यार, मेरे को मार दिया यार तुमने तो, दूध भी पी लिया मेरा। गाइस देखो दो जना जगह को तो मैंने मामू बना दिया। चलो चलो अभी है ना कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, पर ये आग निकल रही है ना, मुझे इसको शांत करना पड़ेगा। ये फिर मैंने खुद में आग लगा दी। रुको रुको रुको, हाँ बंद कर दी मैंने आग, क्योंकि यार लोगों को है ना मेरे पे शक होगा। चलो यार यहाँ पे देखो, मैंने दो घरों में तो है ना जल्दी जल्दी से दूध चुरा लिया। अभी देखो यार मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी यार इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे जो दूसरे घर है कहाँ पे, इसमें दूध है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे दूध की डिलीवरी नहीं है। ये देखो ये दोनों घरों में दूध की डिलीवरी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी छत पे चढ़ के पीछे से आ जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी छत के पीछे नहीं आ सकता, यहाँ पे छत पे चढ़ के यहाँ पे घूम के पीछे से आके डायरेक्ट ही दूध पी जाऊंगा। ये वाले सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात ही नहीं करूंगा, और ये वाले सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बाहर कुछ आग वाग लगा देता हूँ। वो बाहर चेक करने आएगा तो मैं पीछे से घुस के है ना उसका दूध पी जाऊंगा और सब बात खत्म कर लूंगा। क्योंकि अभी तक तो है ना सोसाइटी में बात फैली गई होगी यार कि कोई यहाँ पे ना चोरी कर रहा है दूध की। कैसा कैसा टाइम आ गया, यहाँ पे करोड़पतियों के सोसाइटियों में दूध की भी चोरी हो रही है, संभाजी ध्यान रखना। अरे डोंट वरी, मैं तो बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मेरे को खबर मिल चुकी है नत्थू जी से कि दो जनों के घर पे दूध की चोरी हुई है। अपने घर पे मैं दूध की चोरी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, ये लोग दूध की चोरी नहीं होने देंगे। रुको गाइस, ये देखो ये सामने जो पेड़ है ना, मैं इसके ऊपर ये ना आग लगने वाली मोलोटोव बॉटल फेंकता हूँ, जिससे ना यहाँ पे फटाफट आग लगने लगे और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला वहाँ बाहर आ गए। अरे अरे आग लग गई, आग लग गई, ये क्या हो रहा है, आग लग गई है, जल्दी संभाजी बाहर आइए। अरे चिंता मत करो चिंता मत करो, मैंने फायर वालों को भी बुला लिया। अरे बाबा जी आग लग गई है, यहाँ पे हमारा सारा लॉन जल गया, फायर फाइटर वाले जल्दी आओ यार। ओ गाइस ये देखो ये बाहर खड़ा, जल्दी से मैं इसके घर में घुसता हूँ। अरे अरे यहाँ पे आउट हाउस में घुस गया था, आउट हाउस में नहीं जाना मुझे तो, मेन घर में जाना है यहाँ पे दूध पीने जल्दी से। ये देखो यहाँ पे दूध पी रहा हूँ। नम 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 नम। अरे गाइस एकदम मेरा पेट भर गया भाई, बहुत मजा आता है यहाँ पे दूध पीने में। और ये देखो इसके पड़ोसी के घर के अंदर घुसने की यहाँ पे साइड में से जगह भी है, चलो यहाँ पे भी घुस जाता। अरे संभाजी आग बुझ गई क्या? अरे हाँ 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 आग बुझ गई होगी अभी तक। देखो कहाँ पे यार, यहीं पे कहीं पे दूध रखा हुआ था। अरे हाँ हाँ यही दूध रखा हुआ है, रुको मैं यहाँ पे झाड़ियों में छुप के देखता हूँ। अरे पता नहीं यार ये सोसाइटी में आजकल क्या क्या होने लग गया है। एक टाइम था जहाँ पे एकदम शांति थी, हमको पी के पगार मिलती थी, अब ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो फायर फाइटर लोग खड़े हैं यहाँ पे, आग बुझा के गए होंगे। ओ गाइस देखो वो पंचायत करने घर के बाहर गया, चलो मैं घर के पीछे से जल्दी से जाता हूँ और वह ना पीछे से छुप के दूध पी लेता। अभी तुम सोच रहे होंगे कि गाइस आगे से क्यों नहीं चला जाता जब सिक्योरिटी वाला चला गया। तो गाइस आगे से नहीं जा सकता क्योंकि है ना वहाँ पे तकलीफ है यार, थोड़ी सी तकलीफ ऐसी है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तकलीफ हो जाएगी। ये देखो दरवाजा खुला, मैं छुप के आगे जाऊंगा। और ये देखो नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस ये देखो ये क्या हो गया। अरे मेरे तो है ना हाइट मीटर और भी ज्यादा बढ़ गई। और गाइस तुम्हें और एक मजे की बात बताओ क्या? हाय पुत्र जी क्या मजे की बात बताओगे, मुझे बताओ। दद्दू हल्क देखो मैं तो तुम्हारे जैसा अपग्रेड हो गया, 300 वाला दद्दू हल्क बन चुका। हाय पुत्र जी हाँ ये तो मैं देख सकता हूँ। और देखो मेरी एक और पावर देखो, मैं जब चाहूँ तब तो यहाँ पे अपने लिए विंग्स निकाल सकता हूँ। आए पुत्र जी देखो तुम्हारी तो हाइट भी तगड़ी बढ़ चुकी है और तुम्हारी तो विंग्स भी आ गए यार, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल विंग्स है तुम्हारे। अरे हाँ हाँ सिर्फ ब्यूटीफुल विंग्स नहीं है, मतलब मैं विंग्स को हमेशा जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ, विंग्स को अंदर रख सकता हूँ। और तो और ये देखो यार मैं जब चाहूँ तब से खुद को जायंट भी कर सकता हूँ, मतलब देखो कीको शिवा इन लोगों जितनी तो मेरी हाइट हो भी गई है। आए पुत्र जी हाँ ये देख रहा हूँ मैं, तुमने तो अपना हाइट मीटर को काफी ज्यादा फुल कर लिया है। अरे हाँ सच्ची में बहुत ही ज्यादा फुल कर लिया। देखो मैं छोटा फॉर्म में भी खुद को ला सकता हूँ, छोटे फॉर्म में विंग्स भी ला सकता हूँ और जायंट फॉर्म में विंग्स को भी लेकर आ सकता। आए पुत्र जी आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद यू, अब तुम थोड़ा सा और दूध पी लोगे हल्क वाला तो फिर तो यार तुम्हारी हाइट टाइटन गॉड जितनी बन जाएगी और तुम टाइटन फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे। अरे हाँ मुझे ऐसा करना है दद्दू हल्क, प्लीज मुझे कहीं से भी और थोड़ा सा दूध ला के दो ना यार, मुझे पी के उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है और कीको शिवा इन सब लोगों को मजा चकाना है। आए पुत्र जी डोंट वरी यार, ये भी काम अपने करते हैं, ये देखो यार तुम तो अपने सर से लेजर भी छोड़ पा रहे हो। अरे हाँ हाँ ये तो पावर मिली जाती है। आए पुत्र जी चलो ठीक है यार, एक रैम चैलेंज का मुझे पता चला है जहाँ पे तुम्हें और है ना हल्क का मिल्क मिल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अपने छोटे फॉर्म में वहाँ पे आना पड़ेगा, जायंट लोगों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है। अरे कोई चिंता नहीं है वहाँ पे आ जाऊंगा जल्दी से। तो गाइस देखो तुम्हें अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि दद्दू हल्क मुझ जो है ना अभी रहना हल्क का मिल्क दिलवाने वाले, फिर मैं एक रेड टाइटन गॉड जितना लंबा हो जाऊंगा, फिर कीको शिवा शिंचन सब लोगों को हार मना लूंगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। तो चलते यार हम लोग वो रैम चैलेंज पे, लेट्स गो। ओके गाइस ये देखो यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे सारे टाइटन गॉड्स फिर से आ गए। आए पुत्र जी आ गए तुम। अरे हाँ दद्दू हल्क देखो अपने सेम सेम हो गए। आए पुत्र जी सेम सेम है बट डिफरेंट है, क्योंकि तुम अभी कमजोर हो थोड़े। अरे हाँ हाँ मुझे पता है कमजोर हो, अंकल साइड में हट मेरी जगह ही है। अरे हाँ पापा जी बुड्ढे को काहे मार रहा है। अरे नहीं 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 मारूंगा, ये देखो गाइस यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन में। आए पुत्र जी तो देखो यार तुम पीछे देख ही सकते हो, सारे टाइटन गॉड्स आए हुए और वो टाइटन गॉड्स की कृपा से तुम लोग सब बच्चों
को एक बार वापस से खुद को अपग्रेड करने का मौका मिलने वाला है। तो देखो यार, तुम्हें अगर अपना टॉल मीटर भर के बनना है लॉस सेंटोस का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट डेड हल्क, और तुम्हें चांस चाहिए टाइटन गॉड की फैमिली को ज्वाइन करने का, तो उसके लिए देखो यार, टाइटन गॉड अपनी स्पेशल काऊ को लेकर आए जो अपना बहुत ज्यादा फ्रेश मिल्क दे रही है। मेरा दूध जो पीता है एकदम स्ट्रांग हो जाता है, ये सारे टाइटन गॉड मेरा दूध ही पीते। अरे वाह गाइस, देखो चार चार यहाँ पे टाइटन गॉड्स आए, इन्हीं का दूध पी पी के इतना स्ट्रांग हुए। ठीक है यार, मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। तो दद्दू हल्क यार, यहाँ पे देखो हमें एक पार्कोर चैलेंज करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नॉर्मली रैम चैलेंज तो गाइस मैं जीती जाता हूँ, पर पार्कोर चैलेंज ज्यादा मुश्किल होता है। पत्थर जी बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे तुम्हें कोई व्हीकल की हेल्प नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने टांगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो, तुम्हें बारी बारी से यहाँ पे आगे जाना है, और यहाँ पे दोनों में से एक रास्ता चूज करना है। स्टार्ट लाइन में तुम्हें काला रास्ता चूज करना है या फिर गोल्डन रास्ता चूज करना है। उसके बाद तुम्हें जंप करके ये प्लेटफॉर्म पहना। ये प्लेटफॉर्म के बीच में तुम देख सकते हो काफी ज्यादा गैप है, तो तुम्हें ध्यान रखना, अगर तुम नीचे गिर गए तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पे जंप करने के आने के बाद तुम्हें निंजा वॉरियर का कोर्स करना पड़ेगा। तुम्हें है ना यहाँ पे ये व्हाइट प्लेटफॉर्म से आके पहले यहाँ जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे कूदते हुए आगे तक पहुंचना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे गिर गए तो तुम डायरेक्ट नीचे जाओगे, हाँ हाँ पता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके पुत्र जी, समझ गए हो। उसके बाद तुम्हें दूसरे व्हाइट प्लेटफॉर्म पे आना है, ये तीनों है ना लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर से जंप करना है, ये बॉलिंग बॉल के ऊपर से कूदना है, और यहाँ पे देख रहे हो इतने पतले लेज से वॉक करके ये गोल गोल वाली सीढ़ी लेके तुम्हें फाइनली ऊपर पहुंचना पड़ेगा। अरे कीड़ो, ये चैलेंज आसान दिख रहा होगा, पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत खतरनाक होने वाला है। ध्यान से नहीं किया ना तो डायरेक्ट नीचे गिर जाओगे, सारी हड्डियां टूट जाएगी और हाइट मीटर खाली हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही जन को दूध मिलेगा, इतना भैंस के अंदर दूध है, बाकी तो हम सब ने पी लिया। तुम पांच कीड़ों में से एक ही जन अपग्रेड हो पाएगा। अरे मैं ही अपग्रेड होऊंगा, इन लोगों के पास तो देखो मेरे से कम हाइट है। अरे तुम्हारी हाइट ज्यादा है इसलिए तुमको लॉच होगा, क्योंकि तुम ज्यादा बड़े हो। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे मैं तो चपचे चौथा बेबी हूँ, मुझे तो बिल्कुल लॉच नहीं होगा। अरे मेरा को भी अपग्रेड होना है पापा जी। अरे गाइस देखो, तुम्हें क्या लगता है कौन अपग्रेड होगा हम पांचों में से? आए पुत्र जी, मेरे को तो तुम्हारे लिए होप है कि तुम अपग्रेड हो जाओ। अरे थैंक यू दद्दू हल्क, तुम एक मेरे असली सपोर्टर हो। आए तो चलो रेस को चालू करते हैं, फ्रैंकलिन पुत्र जी जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं लास्ट में जाऊंगा, मेरे को पहले नहीं जाना, लास्ट में जाऊंगा, पहले ये सारे बत्तखों को भेज दो। आए पुत्र जी, पर इनमें से कोई जीत गया तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, फिर तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। अरे मिल जाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, इन लोगों में से कुछ भी कुछ कोई नहीं कर पाएगा। आए पुत्र जी ठीक है यार, देखो तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो समझ लेते यार। अरे मैं फंस जाऊंगा यार, मुझे जाना यार, सब जन मेरा मजाक उड़ाते, बोलते तू तो गोलू राम है गोलू राम। अरे मेरे मैं गोलू राम नहीं यार, मैं इस पर टेढ़ा मेरा पैदा हो गया था, इसके लिए ऐसा हो। ये कीड़ा कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है। अरे हाँ मैं एक कीड़ा ही हूँ टाइटन गॉड यार, इसके लिए तो यहाँ पे आया हो, मुझे कीड़ा नहीं बनना, मुझे हल्क बनना है। मैं तो यहाँ पे गिर गया, मुझे बहुत जोर से लगी, मुझे तो आर लग गई। गाइस ये ऐसे रोएगा तो भाई आगे का कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे देखो ये तो जंप भी नहीं मारा। अरे मेरे पास जंप मारने के लिए पैर दिख रहे, तुमको मेरे पास पैर नहीं है। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, ये देखो इसके पास तो पैर ही नहीं है, ये तो कैसे कुछ भी करेगा। ये देखो मैंने बोला था ना, जंप मारने के लिए मेरे पास पैर ही नहीं है, मैं तो नीचे गिर गया, मेरी पूरी बॉडी टूट गई। अरे चिंता मत कर लो, मेरे पास पहले पहल बहुत तगले, ये काले वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा मैं, तो ये गोल्डन वाले रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि साले अच्छे हल्के बच्चे होते गोल्डन रास्ते से जाते। ये देखो टाइटन गॉड, मैं तो कितना जोर से दौड़ रहा हूं। अरे देखो एकदम अच्छे बच्चों की तरह फुल स्पीड में मैं तो यहाँ पे मुंह के बल गिर रहा हूं, और मुंह के बल गिरने के बाद मैं लो भी नहीं रहा। हाँ कीड़े कीड़े बहुत अच्छा कर रहा है, तू छोटा बेबी है, हमें छोटे बेबी बहुत अच्छे लगते हैं, तू स्ट्रॉन्ग अपग्रेड हो जा, फिर हमारी फैमिली ज्वाइन कर लेना। अरे हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी फैमिली ज्वाइन कर ही लूंगा, ये देखो फ्रैंकलिन भाई जैसा बुद्धू थोली ना हूं मैं तो, यहाँ पे देखो जंप करके आ गया। गाइस देखो ये छोटा बेबी है भाई, इसके तो पैर बहुत ज्यादा छोटे छोटे, इसको जंप करने में बहुत तकलीफ होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये देखो मैंने जंप किया। अरे ले 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 ले, सच्ची में तकलीफ तो हो लिया, ये देखो यहाँ पे आगे जाता हूँ, ये देखा जंप कर दिया मैंने। ओके ओके चलो अब आगे चलता हूँ जल्दी से। अरे ये क्या हो गया, अरे मेरे नीचे से तो धरती गायब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, चीटिंग हो गई मेरे साथ। अरे कीड़े ध्यान क्यों नहीं दिया, धरती तो गायब हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, ये भी आउट हो गया, नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को भेजा। अरे नहीं छोटे बच्चे के साथ चीटिंग कर दी। गाइस तो देखो अपने को एक चीज सीखने को मिल गई यार, कि वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म गायब होते हैं। हाँ मैंने भी सीख ली प्लेटफॉर्म गायब होते हैं, अब तो फ्रैंकलिन तू बचेगा नहीं यार, क्योंकि मेरे को पता चल चुका है वो प्लेटफॉर्म गायब होता। अरे तेरे को सिर्फ एक चीज पता चली अभी है ना, तू जब गिर फर के आगे पहुंचेगा ना तब तेरे को कुछ और चीज पता नहीं होगी, वो पता चलेगी, फिर मैं उसके हिसाब से आगे चले जाऊंगा। वैसे गाइस देखो तुम समझ नहीं पाओगे, पर देखो अभी वो चीज बेबी ने एक चीज डिस्कवर करी है ना, वैसे ये भी कोई एक चीज डिस्कवर करेगा, क्योंकि ये ना पूरा रास्ते के बारे में तो इसको भी नहीं पता। अरे नहीं नहीं मुझे पूरे रास्ते के बारे में पता है, यहाँ पे देखो जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो गाम हो रहा है। क्या हो रहा है, गाम हो रहा है? अरे गायब हो रहा है, गायब गाम हो रहा है, नहीं गायब हो रहा है। अरे हाँ हाँ देखते गाइस क्या कर पाता है, मेरे पैर छोटे छोटे नहीं है बेबी की तरह, ये देखो ये प्लेटफॉर्म गायब हो रहा है, मुझे पता है अभी ये आएगा ना वैसे मैं इसके ऊपर जंप करके चला जाऊंगा, और जल्दी जल्दी से इससे भागने की भी कोशिश करूंगा। ये देखो मैं भाग गया इससे, ये देखो गायब हुआ, उससे पहले भाग गया मैं तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे गाइस ये देखो बात तो सही है, अरे ये क्या हो गया इसके साथ, अरे ये विंडमिल कहां से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। अरे नहीं पापा जी सारी हड्डियां टूट जाएगी। अरे देखो अच्छा अच्छा
था, मुझे तो पता चल गया कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म भी गायब होता है और विंड मिल भी परेशान करता है। अब तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। गाइज ये भी नहीं जीतेगा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि आगे कोई ना कोई तो और ऐसी ऑब्स्टिकल होगी जिसके बारे में इसको भी पता नहीं होगा। ये देखो ये आगे जा रहा है, ये तो अभी से नीचे गिरने वाला था। अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना नीचे गिरूंगा मैं, ये देखो क्या जंप लगा रहा हूँ। अरे वाह 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 गाइज, ये देखो ये रेड हल्क है ना, जंप तो बहुत अच्छे अच्छे लगा रहा है। अपने बेचारा मुंह के बल कितनी बार गिरा। पर गाइज देखो मुझे इसके टैटू भी बहुत तगड़े लग रहे हैं, पर ये देखो यार ये टैटू इनफ नहीं होंगे इसको यहाँ से क्रॉस करवाने के लिए। देखो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे तो आ गया, अब ये जंप करके देखो सेकंड प्लेटफॉर्म पे भी आ गया। अब थर्ड प्लेटफॉर्म पे आ पाता है कि नहीं, इसके लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो प्लेटफॉर्म गायब होकर जब वापस आता ना तब करना पड़ेगा जंप, क्योंकि जिससे अपने को मैक्सिमम टाइम मिले प्लेटफॉर्म पे रहने का। अरे बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बोली फ्रैंकलिन, ये देख तेरी स्ट्रेटजी यूज करके मैं आगे आ गया। अरे मेरे को गाइस इसको स्ट्रेटजी देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता ये आउट हो ही जाएगा। ये देखो यार यहाँ पे विंडमिल से आउट हो जा। अरे नहीं नहीं होगा, विंडमिल से तो मैं आउट है, बल्ले बल्ले शावा शावा। अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यार, गाइस इसको तो है ना पता चल गया विंडमिल से बचते कैसे। अरे नीचे गिर जा नीचे गिर जा। अरे गाइस ये तो ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था। चलो कोई बात नहीं अभी आगे जाएगा। हां बचा गई, चलो यहां पे मैं आगे जाऊंगा। देख फ्रैंकलिन मेरे जैसा खास कोई भी नहीं है। अरे ये क्या, एक और प्लेटफॉर्म गायब हो रहा है, मेरे से चीटिंग हुई। देखो गाइस मैंने बोला ही था ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा यार कि ये आउट हो जाएगा। तब देखो फाइनली फ्रैंकलिन द ग्रेट की बारी आ चुकी है। ओके गाइज ये देखो मेरी बारी आ गई है दद्दू हल्क के। लास्ट टाइम देखो अपना आशीर्वाद नहीं दिया था, ये बार आशीर्वाद दे दो। ओए पुत्र जी तू तो ना पुत्र फलो, डोंट वरी यार तुम ये कर लोगे। ओके चलो गाइज ये देखो यार यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे ये वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मैं पहली बार ढंग से गिरा हूँ, पहली बार ढंग से नहीं, पहले प्लेटफॉर्म पे ढंग से गिर गया, अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ढंग से गिरना पड़ेगा। अब देखो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि ना मुझे इनके ऊपर ऐसे थड़ा थड़ा के गिरना पड़ेगा। बापरे रेड वाले प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा लगती है। कोई बात नहीं मैं यहाँ पे आगे जाऊंगा। ये देखो इस पे मैं आकर गिर गया। चलो ये बापरे बहुत ज्यादा जोर से लगती है गाइस, पर फाइनली मैंने ये कर लिया। अभी देखो यहाँ पे मैं आगे जाऊंगा। अब ये देखो पहले प्लेटफॉर्म पे तो चढ़ना काफी ज्यादा आसान है, तुम्हें भी पता है यहाँ पे आसानी से चढ़ जाते हैं। अभी दूसरे वाले पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जंप करना पड़ता है। अब तीसरे वाले पे गाइस देखो मेरे को थोड़ी जल्दी मच रही है, इसके लिए मैं रिस्क लूंगा। रिस्क है तो इसके पे भी। ओहो गाइस तुमने देखा क्या हुआ वहां पे ना, वो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट गायब हो ही गया था। अब मुझे यहाँ पे विंडमिल से बचना, जल्दी से विंडमिल से भी बच गया मैं। चलो 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 चलो। अब गाइस देखो ये मेरे बाजू वाला जो प्लेटफॉर्म है ना ये बंद चालू मतलब गायब होने वाला है। तो अब ये अगली बार जब आएगा ना तब मुझे एकदम जल्दी से जाना पड़ेगा। जल्दी 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 आजा भाई, जल्दी आजा, मुझे अपग्रेड होना है। आए पुत्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो करते रहो, तुम पास हो जाओगे। अरे हाँ मुझे पता है पास हो जाऊंगा। ये देखो गाइस मैं यहाँ पे आगे तक आ गया। इतना आगे तक कोई भी नहीं आता। अरे फ्रैंकलिन तो कितना ज्यादा स्मार्ट है, फ्रैंकलिन इज द ग्रेटेस्ट, वी लव यू फ्रैंकलिन। अरे हाँ मुझे पता है तुम लोग मेरे से बहुत प्यार करते हो। गाइस देखो इतनी सारी लड़कियां मुझे चीयर करने के लिए खड़ी थी, मैं तो यार बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अब ये सारे बॉलिंग बॉल के ऊपर से मुझे निकलना है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये देखो फटाफट से बस अब मुझे यहाँ पे ऊपर ये स्टेयरकेस पे चढ़ना है। चलो 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 गाइस यार यहाँ पे चढ़ता हूँ। अरे ये कीड़ा फ्रैंकलिन कैसे अपग्रेड हो रहा है, हमें नहीं लगा था ये अपग्रेड हो पाएगा। ओ पिंकी बेटा अपने से भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। हाला बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन भैया, तुम तो हमसे भी ज्यादा अपग्रेड हो जाओगे। अरे हाँ लिटिल सिंह हमसे भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। और फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले से तो तुम ऑलरेडी अभी भी ज्यादा अपग्रेड हो। और भीम की शक्ति से भी ज्यादा धूम मचा दोगे फ्रैंकलिन भैया तुम तो। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, सबसे ज्यादा धूम मचा लूंगा। ये देखो ये गाय के पास पहुंच गया, अब इसका दूध पीऊंगा। पीलो पीलो फ्रैंकलिन। ओ नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस ये देखो यार मैं तो 6000 फुट का लंबा टाइटन गॉड बन चुका। पिंकी भाई तुम तो टाइटन गॉड बन गए, हमसे भी ज्यादा लंबे हो गए। हाला फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया काम किया। ओए पुत्र जी तुम तो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट रेड हल्क बन चुके हो। अरे हाँ गाइस देखो यार ये सारे टाइटन गॉड्स भी मेरे नीचे खड़े, मैं तो उनसे भी ज्यादा लंबा हो गया होगा। तो गाइस देखो यार तुम्हें भी मेरे जैसे लंबा होना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम क्या चाहते हो कि अगले मैं किसको लंबा करूं, कोई एनिमल को या हल्क को। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। स्क्रीन पर आ रहा है उसमें से एक वीडियो देख लेना।